हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ आवर टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट पढ़ेंगे हम, आवास में जो भी अवयव पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एनी हैबिटेट इज मेड अप टू बेसिक कंपोनेंट्स, मतलब दो प्रकार के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज लिविंग, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक, जैविक कंपोनेंट, जैविक अव्यय। फर्स्ट होता है जैविक अव्यय। सेकंड है नॉन लिविंग, जिसको बोलते हैं अबायोटिक, अजैविक, अजैविक अव्यव, ठीक है। तो फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक अवयव के बारे में पढ़ेंगे कि जैविक अवयव क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, द बायोटिक कंपोनेंट्स हैबिटेट कैन बी डिवाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। जो जैविक अवघटक है, जो जैविक अवयव है, उनको बेसिकली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट अपना प्रोड्यूसर्स ऑन द ऑटोट्रोपस, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और या ऑटोट्रोपस, उत्पादक या सहपोषी। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उत्पादक, ठीक है, या उपभोक्ता, इसका मतलब होता है, ऑटोट्रोपस का मतलब होता है सहपोषी। देखो, प्रोड्यूसर्स आर द बायोटिक कंपोनेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फूड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, हम प्लांट्स को क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं, उनको उत्पादक बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं उत्पादक? क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोपस होते हैं, सहपोषी होते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं रहते, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। वो तो उत्पादक ही करेंगे, तो उनको बोलते हैं उत्पादक या सहपोषी। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोपस। दे ट्रैप सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्या करते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं? वो किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की प्रेजेंस में प्रिपेयर फूड, अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस द्वारा। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, CO2 एंड वाटर विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करती है? क्लोरोफिल में। तो हम बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोपस में प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और किस प्रोसेस द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक या प्रोड्यूसर, जैसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, ठीक है। इसके बाद सेकंड है अपना कंज्यूमर्स द हेटरोट्रोपिक। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोपिक ट्रोपिक से, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कंज्यूमर्स या हेटरोट्रोपिक। कंज्यूमर्स का मतलब होता है उपभोक्ता, प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उत्पादक, ठीक है, और इसका मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता या परपोसी। देखो, द कंज्यूमर्स कंज्यूम द प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड एंड एनर्जी। जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, लेते हैं प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड एंड एनर्जी। जो उपभोक्ता होते हैं, वो उत्पादक से क्या लेते हैं? भोजन और एनर्जी, जिनको हम बोलते हैं हेटरोट्रोपस परपोसी, जो दूसरों पर निर्भर हो, उनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स या हेटरोट्रोपिक। समझ में आ गए दोनों का? देखो, द एनिमल्स विच लिव इन एंड अराउंड द हैबिटेट कंज्यूम प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। देखो, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लिव रहने के लिए क्या करते हैं? अराउंड द हैबिटेट, उसी आवास में क्या करते हैं? कंज्यूम प्लांट्स, प्लांट्स से कंज्यूम करते हैं, क्या? कंज्यूमर से, उत्पादक से अपना भोजन कंज्यूम करते हैं। समझ में आ गए? प्रोड्यूसर्स एंड कंडीशन,
कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उपभोग, उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं रहते, जबकि जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, कंज्यूमर्स रहते हैं कंज्यूम करने के लिए, क्या फूड लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। समझ में आ गया दोनों का? अब इसमें देखो, कंज्यूमर्स आल्सो कंज्यूम अदर कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, आल्सो कंज्यूम करते हैं अन्य कंज्यूमर्स, अन्य उपभोक्ताओं से भी अपना भोजन लेते हैं। समझ में आ गए? सो एनिमल्स डेट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कंज्यूम, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पर भी निर्भर रहते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे डीहर है, लोहन, ठीक है, ये दोनों क्या है, कंज्यूमर्स हैं, हेटरोट्रोपिक है कंज्यूमर्स, क्यों, क्योंकि अपना भोजन किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं, उत्पादक से लेते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद थर्ड पॉइंट इज एवरेज, दीज एनिमल्स फीड ऑन द फूड बॉडीज और अदर एनिमल्स आर कोल्ड स्किनवर्ड्स, जैसे एग्जाम्पल है ब्यूटर एंड हाइगिना। फोर पॉइंट अपना डिकम्पोजिस, मतलब जो डिकम्पोजिट है, जो कार्बनिक पदार्थ है उनको लेते हैं। देखो, डिकम्पोजिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द डेड बॉडीज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जो डिकम्पोजर्स होता है वो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादक और जो उपभोक्ता होता है, उनका जो डेड पार्ट ऑफ बॉडी का जो भाग होता है उन पे निर्भर रहता है। दे ब्रेक द डेड बॉडीज पार्ट, क्या करता है, दे ब्रेक द डेड बॉडीज पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सिंपल सब्सटेंस, जो कंज्यूमर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके जो डेड पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और भोजन के रूप में लेता है, जैसे एग्जाम्पल बैक्टेरिया और फंजाई। बेसिकली ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बायोटिक कंपोनेंट्स में, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो अपना दूसरों पे निर्भर है वो कंज्यूमर्स, ठीक है। ग्रीन हनी प्लांट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, सॉरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो इन्हीं पे एनिमल्स निर्भर है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ओके। सेकेंड कंपोनेंट है अपना एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक अवयव। अब हम पढ़ेंगे अजैविक अवयव के बारे में कि हैबिटेट ऑफ कंपोनेंट्स में अजैविक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अजैविक अवयव क्या होते हैं। देखो, द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट कैन बी डिवाइड इनटू फाइव मेन कैटेगरीज, जो अजैविक अवयव हैं उनको हम फाइव कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं। फर्स्ट है लाइट, सेकंड वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, इसके बाद है एयर और सोयल। देखो, फर्स्ट है लाइट, कि जो लिविंग थिंग होते हैं उनको लाइट आवाज़ के लिए, ठीक है, लाइट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट एज द प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन लाइट फॉर द मेकिंग फूड। देखो, लाइट इज द वन, जो लाइट होती है वो मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स का। प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन, जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, लाइट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड, जो उत्पादक होते हैं वो, इसके अलावा जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे, उत्पादक पे, जो वो ऑटोट्रोपिक होते हैं उन पे, ऑटोट्रोपिक पे निर्भर रहते हैं फॉर द फूड, भोजन के लिए, ठीक है। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट, हम बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो बहुत मतलब वेरी इसेंशियल कंपोनेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन एबायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, वो किस पे निर्भर होते हैं, डायरेक्टली रूप से कंज्यूमर्स पे, सॉरी प्रोड्यूसर्स पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वाटर, वाटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर इज अनदर इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट लिविंग थिंग्स, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, बिना वाटर के जो सजीव होते हैं वो जीवित नहीं रह सकते, बिना वाटर के कोई सजीव जीवित नहीं रह सकता।
ठीक है, तो देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ वेरियस फॉर्म इन पैलेस टू पैलेस। इसके लिए मतलब विभिन्न प्रकार के सोर्सेज हैं वाटर के लिए अर्थ पे, अपनी धरती पे, ठीक है, पैलेस टू पैलेस एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है। इसके बाद है टेम्परेचर, कि जो लिविंग थिंग होते हैं उनको आवास में टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो टेम्परेचर प्लेज ए विटर रोल इन द हैबिटेट, टेम्परेचर का अलग रोल होता है आवास में। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द वेव ऑफ हीट एंड कीप द प्लेनेट वॉर्म। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 एब्जॉर्ब द वेव, जो तरंगे होते हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती है, कीप द प्लेनेट वॉर्म के लिए, ठीक है। द टेम्परेचर इज मेजर विद द डिवाइस कोल्ड थर्मोमीटर। हम टेम्परेचर का, टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। तो बोल सकते हैं कि थर्मोमीटर किसे कहते हैं, जिस यंत्र के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद फोर पॉइंट अपना एयर, हवा, हवा का क्या है, रोल है, ठीक है। तो एयर इज ए पार्ट ऑफ हैबिटेट इन द एनवायरनमेंट, जो एयर है वो भी एक एनवायरनमेंट में पार्ट होता है हैबिटेट का, निवास जो सजीव होते हैं उनके उनके लिए। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट कंज्यूम एयर फॉर रेस्पिरेशंस। देखो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो जैविक कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द हैबिटेट आवास में, कंज्यूम एयर फॉर रेस्पिरेशन, कंज्यूम करते हैं किसको, उपभोक्ता से एयर को, रेस्पिरेशन श्वसन प्रोसेस द्वारा। देखो द प्लांट रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। प्लांट्स क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए किसको लेते हैं अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। जबकि एनिमल्स में अलग होता है, एनिमल्स क्या लेते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, समझ में आ गया। तो रेस्पिरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, तो जिससे हम क्या ऑब्टेंड करते हैं, एनर्जी और फूड ऑब्टेंड करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जिसको हम बोलते हैं एयर, जो हवा का ये जो होता है, ठीक है, रोल, उनको हम क्या बोलते हैं, विंड, ठीक है। इन कैरीज पोलन ग्रेन्स एंड कोजेज पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, वो भी हवा से क्या करते हैं, प्लांट्स पे जाते हैं पोलिनेशन के लिए, ठीक है। सॉयल, लास्ट पॉइंट अपना सॉयल, मृदा का क्या महत्व होता है हैबिटेट में। तो सॉयल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हैबिटेट, जो सॉयल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, एबायोटिक कंपोनेंट्स का। द वेजिटेशन ऑफ हैबिटेट ग्रोज इन द सॉयल, जो वनस्पति होती है वो मृदा के कारण ही क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। द सॉइल एट डिफरेंट पैलेस इज डिफरेंट टाइप्स, जो सॉइल होती है वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मर्दा होते हैं उनके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक होती है डोमत मिट्टी, इसके अलावा चिकनी मिट्टी, समझ में आ गया। तो जो मर्दा होते हैं उसके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। सॉइल इज द फॉर्मेड बाई द वेदरिंग फॉर रॉक्स, सॉइल को हम किससे करते हैं, किससे फॉर्मेड करते हैं, वेदरिंग, मौसम और रोग, जो चट्टानें होती हैं उनसे बनाते हैं। तो समझ में आ गए एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, जिसके लिए हमें लाइट की, भोजन बनाने के लिए लाइट की, वाटर की, क्योंकि वाटर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, टेम्परेचर की, इसके अलावा एयर की और सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो समझ में आ गए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनका क्या क्या रोल है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।